खबर पन्ना से है, जहां चित्रकूट त्रिकूट पर्वत पर वराजी मां शारदा, जो कि मैहर माता के नाम से प्रसिद्ध है, जहां पर देश विदेश से श्रद्धालु अपनी मन्नत लेकर आते हैं और माता उनकी मन्नत पूरी करती है। वहीं पर भैरव का भी स्थान है। मान्यता है, माता के दर्शन करने के बाद अगर भैरव के दर्शन नहीं किए तो आपकी मुराद पूरी नहीं होती। जब तक भैरव के दर्शन नहीं करेंगे आपकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। बावन अंक स्थिति में दिया था, तो बावन शक्ति पीठ थे, उसमें मैहर माँ शारदा शक्तिपीठ स्थिति पर्वत धाम माँ का कंठ दिया और उसके साथ माँ का हार दिया, जिससे माँ का हार गिरने से मैहर नाम पड़ा और दूसरा कंठ गिरने से माँ सरस्वती रूपा माँ शारदा है। भैरव बाबा के साथ ये महत्ता है, भैरव बाबा माई ने भैरव बाबा को भी वरदान दिया था कि जो भक्त हमारे दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करेगा उसके दर्शन ही पूर्ण माने जाएंगे। ये काल्पनिक कथा है कि आपने माँ वैष्णो देवी में भी सुना होगा, जो भक्त गए होंगे तो वैष्णो देवी के दर्शन तभी पूरे माने जाते हैं जब आप वहाँ भैरव बाबा के दर्शन कर लेते हैं। उसी प्रकार की मान्यता मैहर में भी है। त्रिकूट पर्वत पर खड़े जहाँ पर श्रद्धालुओं का तहता लगा, भीड़ इतनी कि खड़े होने की जगह नहीं। माता के भक्त देश विदेश बाहर से भी लोग आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर के, और यहाँ पर पूर्ण होती जयकारी लगाती हुई माँ के दरबार में त्रिकूट पर्वत पर विराजी माँ की सरस्वती रूप में कुछ कहा नहीं जा सकता। श्रद्धालुओं को माँ क्या दे रही है, कितनी भीड़ आती है, पैदल आते हैं, कुछ पैदल आ रहे, कुछ लौटते हुए आ रहे, कुछ लेटते हुए आ रहे, माँ छोटे छोटे बच्चों के साथ लेकर के औरतें जवान बूढ़े सभी लोग माँ के दर्शन कर रहे। और आज सबसे ज्यादा भीड़ माँ के क्षेत्र में लगता है कि 1 लाख से ऊपर आज श्रद्धालु हो चुके हैं। एम के लिए यूरोपीय बनना।